देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम व्यूअर्स। टुडे वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स टू बी स्ट्रेट। उत्तर प्रदेश में कुछ नौकरियां अटकी हैं, कुछ लटकी हैं, तो कुछ भटकी हैं। भटक तो दरअसल युवा भी रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं और मिल क्या रहा है? लाठी, लाठी मिल रही है। अभी भी इको गार्डन में जो धरना चल रहा है, वहां पर शिखा पाल नाम की एक महिला महीनों से पानी की टंकी पर धरना दे रही है। क्या हम उनको उतारेंगे नहीं? क्या लोकतंत्र में सरकार की भूमिका समाधान निकालना है या फिर समस्या बढ़ाना, या फिर लाठी चलाना, या फिर सड़क पर जो अपने हक की बात करे उसको कूटना, पीटना, दौड़ाना? क्या यह तस्वीरें देखने के लिए सरकारों को चुना जाता है? आज गुस्सा लाजमी है दर्शकों, क्योंकि 69,000 परीक्षार्थी, शिक्षक अपनी भर्ती को लेकर सड़कों पर थे, कैंडल लेकर घूम रहे, कैंडल लेकर कह रहे थे सरकार से कि हमको कब मिलेगी नौकरी। और सरकार ने कहा ठीक है, रुको, देते हैं नौकरी। अपने सरकारी पुलिसिया कर्मियों को भेजा और डंडे चलवाए। क्या नौकरी मांगने पर डंडे मिलते हैं? अगर नौकरी मांगने पर डंडे मिलते हैं तो हर उस संडे को कैंसिल करना चाहिए जहां नौकरियों में संडे पर छुट्टी मिलती है। दर्शकों, क्या आप लोकतंत्र में अपनी बात रखना, प्रदर्शन करना या धरना देना या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, कैंडल ले जाना या पोस्टर बैनर के तले अपनी बातों को रखना जुर्म हो गया है? क्योंकि लाठी चार्ज सिर्फ तभी की जाती है जब उपद्रव हो। अब कैंडल लेकर जो लोग वहां पहुंचे वो किस तरह का उपद्रव था, क्या ये बताएंगे योगी आदित्यनाथ? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को खुलकर रखेंगे, मंच पर आएंगे, उनके प्रवक्ता क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात खुलकर कहेंगे कि आखिर क्यों डंडे चले, आखिर क्यों लाठियां चली? ये योगी आदित्यनाथ सरकार जो वादे करती है, दावे करती है कि 4 लाख नौकरियां दी गई, आंकड़ों का हिसाब रखती है, फाइलें खोलती है, कागजे रखती है, क्या उन आंकड़ों में यह भी दर्शाएगी कि लाठी चार्ज में कितने बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई, कितने बेरोजगारों के कहां कहां लाठियां पड़ी, कितने बेरोजगारों को अस्पताल पहुंचाया गया, कितने घायल हुए? क्या यह सब आंकड़े हैं? 4 लाख नौकरियां दी गई, कितनी नौकरियां नहीं दी गई, क्या यह आंकड़े हैं? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जब वैकेंसी है, जब परीक्षा है, तो फिर भर्ती क्यों नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करेगी, संकट में है तो फिर क्या समस्या पर समाधान नहीं होना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात को समझाने की कोशिश करेगी कि अगर कुछ लोग जो नौकरी चाहते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, जो योग्य है, क्या उनको नौकरी देना कुछ गलत है? अगर गलत नहीं है तो नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? अगर गलत है और डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, तो फिर खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा कि वो क्या गलत कर रहे हैं? क्या शिखा पाल जो महीनों से टंकी पर चढ़कर कह रही है कि उसको नौकरी कब दी जाएगी, उसकी बात का जवाब देने की बजाय योगी आदित्यनाथ सरकार के पुलिस उसको लाठियां चला रहे हैं उस पर, क्या यह गलत है, ठीक है, सही है, क्या कुछ है? क्या सरकार के प्रवक्ता इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे या लखनऊ से आती इस लाठी डंडों की तस्वीरें यूं ही यथावत जारी रहेंगी? क्या अब लोकतंत्र में और कोई अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता? अगर अधिकार की बात करता है तो क्या यूं ही लाठियां चलती रहेंगी? यह बात जरूर बतानी चाहिए। कल तक योगी आदित्यनाथ सरकार कहती थी कि जो लोग गलत करेंगे, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाई जाएगी। तो क्या जो लोग नौकरी की मांग करेंगे, जो बेरोजगार कहेंगे कि उन्होंने परीक्षा दी, वैकेंसी है, तो कब उनकी यहां पर नियुक्ति होगी, तो उनको लाठी मिलेगी? क्या लोकतंत्र बदल चुका है? क्या जो लोकतंत्र जिसको हमने अपनी किताबों में पढ़ा था, जहां पर प्रदर्शन की पूरी अनुमति थी, प्रदर्शन की स्वतंत्रता थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति होती थी, सरकारें बातों को सुनती थी, रखती थी, उस पर समाधान की बात करती थी, क्या वो लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है? क्या उत्तर प्रदेश में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, तो क्या बाजू में बैठे लोग सरकार के लोगों को यह नहीं बताते कि शिखा पाल नाम की एक बेटी भी टंकी पर चढ़ी है और अपनी मांग रख रही है? आज बहुत से लोगों को लग रहा हूं कि ज्यादा क्रोध में कही गई बातें हैं, लेकिन दर्शकों सीरियसली, आज कितना क्रोध है मन में, ये बातें बिल्कुल भी कार्यक्रम के जरिए बताना मुश्किल हो।
दर्शकों, पूर्वांचल में बंदूक लिए अपराधी माफिया फलते फूलते रहे और यही यूपी पुलिस वहां बल प्रयोग करती नहीं दिखी। कभी माफियाओं पर लाठी चार्ज करते हुए देखा आपने किसी पुलिस को? कभी आपने देखा कि यही लखनऊ पुलिस किसी माफिया पर या अपराधी पर लाठी चार्ज करती नजर आई हो? क्या पूर्वांचल में कभी लाठी चार्ज देखा? गाजीपुर में देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन आज यही यूपी पुलिस मोमबत्ती लेकर नौकरी की मांग कर रही, युवाओं पर लाठी चार्ज कर रही। दिस इज सो क्रूअल, सो क्रूअल। उधर यूपी पुलिस की यह भूमिका है तो बेहतर है कि ईमानदारी से वर्दी उतारकर जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जिनको मोमबत्ती लेकर घूम रहे लोगों पर, जो मोमबत्ती लेकर अपनी मांगे रख रहे हैं इस प्रदेश में, उन पर लाठी चलानी पड़े, तो ऐसे ईमानदार पुलिस वालों से मेरी एक गुजारिश है कि ईमानदारी से वर्दी उतारकर बक्से में पैक कर दीजिए। उसको बक्से में, किसी बॉक्स में, अलमारी में पैक कर बंद कर दीजिए। अगर आपको पुलिसिया वर्दी पहनकर यही सब कुछ करना हो, कई लोग कहते हैं परीक्षा है, टेट की परीक्षा का जिक्र कर रहे हैं, परीक्षा है, पेपर लीक हो गया, कोई नहीं, दोबारा करा देंगे, दोबारा करा लेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने परीक्षा में पेपर लीक किए उनके घर पर बुलडोजर करा लेंगे, बजाओ ताली। सरकार जी, आपके लिए महज ये एक परीक्षा होगी, महज एक परीक्षा, लेकिन किसी घर की अंगूठी बिक गई, किसी मां की पायल बिक गई अपने बेटे या बेटी को परीक्षा केंद्र तक भेजने में। शायद आप इस चीज को समझिए कि एक गरीब, एक निर्धन घर की बेटी जब पढ़ने की कोशिश करती है, उसके घर की अंगूठी बेचनी पड़ती है, पायलें गिरवी रखनी पड़ती है, मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके इतने पैसों का जुगाड़ हो पाता है कि वो बेटी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, वो बेटी परीक्षा केंद्र तक पहुंच के परीक्षा दे। और आपके लोग कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया, जाओ सुधा, जाओ प्रियंका, जाओ शिखा, वापस जाओ, घर लौटो, अगली दफा आना। क्या अगली दफा आना? अंगूठी तो बिक गई, पायल तो बिक गई। उस रिक्शे वाले की बेटी जो परीक्षा देने आई थी, उस रिक्शे वाले ने अपने पूरे एक महीने की आमदनी तो खर्च कर दी। सरकार के लोग कहते हैं कि ठीक है, जाओ बेटा, दोबारा आना। क्यों दोबारा आना? दर्शकों, मैं आपको बताता हूं क्यों दोबारा। दोबारा इसलिए आना क्योंकि भ्रष्टाचार की जो कढ़ाई है, उस पर भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा खाना पकाया जाता है। टेट की परीक्षा में पर्चा बनाने का ठेका दे दिया। किसको दे दिया? जिसकी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, महज एक बियर का गोदाम, जिस एड्रेस पर उसने ठेका लिया वह बियर बनाई जाती है, बियर का गोदाम। और उस आदमी ने चार लोगों को चार प्रिंटिंग प्रेस उसने जुगाड़ी, दिल्ली की, कोलकाता की, चार प्रिंटिंग प्रेस उसने जुगाड़ी। और चार प्रिंटिंग प्रेस में उसने कहा कि टेट के पर्चे छपाओ। और ये चार प्रिंटिंग प्रेस क्या छापती थी? शादी के कार्ड, मुंडन के कार्ड, तिलक के कार्ड, शादी ब्याह, बर्थडे, किसी के घर बालक पैदा हुआ तो उसके कार्ड, किसी बालक का मुंडन होना है कल तो उसके कार्ड, किसी का ब्याह होना है तो उसके कार्ड, शादी ब्याह, मुंडन, वरमाला, तिलक, इनके कार्ड छाप रहे थे। और बीच में कह दिया कि लो भैया, सरकारी नौकरी का भी दरअसल पर्चा छाप। अब वो पर्चा तो छापेंगे, लेकिन तो एक कहावत है ना कि पर्चे के साथ खर्चा भी बढ़ जाता है, तो पर्चा तो छाप दिया उन्होंने, लेकिन पर्चे के साथ जो खर्चा निकाला वो दरअसल कितने युवाओं पर भारी पड़ा। क्या योगी आदित्यनाथ सरकार अपने आंकड़ों में इसको शामिल करेगी? क्या बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बताएंगे कि कितने बेटों का, कितने बेटियों का कितना नुकसान हुआ? क्या इस सरकार में सिर्फ बुलडोजर चलेंगे, किसी के घर की रोजी रोटी ना चले, चले कोई फर्क नहीं पड़ता? 69,000 लोग उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, राजधानी में सरकार के सामने मोमबत्ती जलाकर, मोमबत्ती जो कि शांति का प्रतीक है उसको जलाकर कह रहे हैं कि साहब क्या रहा नौकरी का, कुछ तो बताओ। तो साहब ने कहा, रुको बताते हैं। साहब ने लखनऊ पुलिस को भेजा डंडों से लैस, और पुलिस वालों ने फिर बताया, खूब बताया, तस्वीरें बाजू में चल रही, ये ऐसे बताया योगी सरकार ने, 69,000 जो शिक्षक भर्ती के लोग थे उनको ऐसे बताया,
बताया क्या? बचाया, डंडों से बचाया। महान है ऐसे लोकतंत्र का। और इस पर बोलना लाजमी है, आज 69,000 शिक्षकों की बात है, कल 59,000 डॉक्टरों की बात होगी, परसों 39,000 इंजीनियर्स की बात होगी, फिर 29,000 पत्रकारों की बात होगी, फिर 9,000 गृहणियों की बात होगी, और जब जब ये अपनी मांग रखेंगे तब तब मांग की बजाय मिलेगी लाठी। सरकार की ताकत मिस्टर लाठी। 69,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर है ना, धारा तो 370 हटाई है ना, दीपोत्सव किया है ना, केशव प्रसाद मौर्य ने कह तो दिया है तैयारी करो, श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाना तो है ना, 69,000 लोग भर्ती वैकेंसी। लाठी, दिस इज क्रूअल, दिस इज शेमफुल, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउ द गवर्नमेंट्स बिहेव, दिस इज सो रिडिकुलस। रिपोर्ट देखिए। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार आने वाली युवा पीढ़ी के सफल और उज्जवल भविष्य की बात करती है, वहीं उसी उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए तो वह युवा अपने भविष्य को लेकर क्या उम्मीद करेगा? एक युवा ये सोचकर दिन रात पढ़ाई करता है कि आने वाले समय में उसका भविष्य संवर जाएगा, उसको नौकरी मिलेगी जिससे वो अपनी और अपने परिवार की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकेगा। लेकिन क्या हो जब उस युवा की मांग सरकार के कानों में इतनी चुभने लगे कि वो अपना हक मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दे? कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। शाम को जब ये छात्र प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाल रहे थे तभी पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या छात्रों की मांग नाजायज थी? क्या उस युवा को सपने देखने का अधिकार नहीं? क्या पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करना ये दर्शाता है कि अगर आप सपने देखोगे, आप अपना हक मांगोगे तो आप पर इसी तरह की कार्रवाई होगी? एक तरफ इन युवाओं को वोट बैंक तरह यूज किया जाता है, फिर जब यही युवा एक सरकार को चुनकर लाते हैं, अपने भविष्य की बागडोर एक ऐसे नेता के हाथों में सौंपते हैं इस उम्मीद से कि वो नेता, वो मंत्री उन्हें निराश नहीं होने देगा, उनके उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार करेगा। लखनऊ में जो हुआ, नौकरी की चाह कर रही युवाओं पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, उसे क्या समझा जाए? वैसे तो सरकार रोजगार के अवसर के तो बहुत आंकड़े देती है, क्या सरकार इसके आंकड़े देखती कि कितने युवाओं पर लाठियां चलाई गई, कितने युवाओं को गंभीर चोट आई? क्या यही वो भविष्य की जिसकी कल्पना हमारा युवा कर रहा है? क्या यही वो फल है जिसकी चाहत में एक छात्र कम सुविधाओं में भी दिन रात मेहनत कर रहा है? क्या सरकार अब खुद की खामियों को गिनाने की हिम्मत रखती है? यूपी टेट का पेपर लीक होना सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है कि नहीं? क्या अब भी उत्तर प्रदेश सरकार यही कहेगी कि हमारी सरकार में छात्रों को रोजगार मिले, उन पर लाठियां नहीं चली, एक भी निर्दोष पर प्रशासन की लाठी नहीं चलाई गई? आपको बता दें कि लखनऊ में शिक्षक की नौकरी चाह रहे युवा 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस आ गई और उन छात्रों पर लाठियां चलाकर युवाओं को खदेड़ दिया।
शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, साथ ही 22,000 सीट और जोड़ी जाए। वहीं इस कारनामे के बाद बीजेपी खुद घिरती भी नजर आई है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत तमाम विपक्ष सरकार को घेरने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर अपनी सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि ये बच्चे भी माँ भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं। इस पर भी इनके ऊपर ये बर्बर लाठीचार्ज, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी हैं, जब भाजपा वोट मांगने आए तो इसको याद रखना। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के पुराने व लंबित मामले को लेकर राजधानी लखनऊ में कल रात शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने वाले सैकड़ों युवाओं पर पुलिस का लाठी चार्ज, घायल करना अति दुखद व निंदनीय है। सरकार इनकी जायज मांगों पर तुरंत सहानुभूति पूर्वक विचार करे, बीएसपी की यह मांग है। उधर यूपी के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। वीडियो ट्वीट कर अखिलेश ने लिखा है कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठी चार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहे आज का नहीं, चाहिए भाजपा। तो एक बार फिर ये सवाल लाजमी है कि जहां एक तरफ योगी सरकार आंकड़े पेश करती है कि 4 लाख रोजगार दिए गए, तो ये आंकड़े कब पेश किए जाएंगे कि सड़कों पर जो बेरोजगार कैंडल मार्च निकाल रहे थे उन पर कितनी लाठियां चलाई गई, कितने लोगों को लाठी पड़ी और कितने लोग घायल हुए? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो आने वाले महीनों में होंगे। ऐसे में सियासत तेज, हर तरफ बातों का दौर है, हर तरफ तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर बात नहीं, इन पर खुलकर बात नहीं। और जब इन पर बात करने की कोशिश की जाती है, उन्हीं के द्वारा जो डायरेक्ट इससे इफेक्टेड है, तो उनको अफेक्टेड कर दिया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जा रही है। आप अगर नौकरी नहीं दे पा रहे, आपके पास रिक्तियां हैं, भर भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भरना चाह रहे तो कम से कम आश्वासन का जो एक लड्डू दिया जाता था नेताओं के द्वारा, अभी तक मंत्रियों के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा, तो क्या आज की योगी सरकार वो लड्डू देना भी जरूरी नहीं समझ? क्या इनका कुछ हिसाब किताब है कि नहीं? क्या इन तस्वीरों को पूरा भारत नहीं देख रहा? क्या पूरा उत्तर प्रदेश इन तस्वीरों को नहीं देख रहा? क्या पूरा उत्तर प्रदेश ये सवाल नहीं पूछेगा कि अगर अपनी मांग को माना, मांग की मांग रखी, तो आप उनसे सुनते, एक कमेटी बनाते, 5-6 विद्यार्थियों को, शिक्षकों को बुलाते, अपने पास समक्ष पेश करवाते, बात करते, बीच का रास्ता निकालते। ये पीटने का क्या सिलसिला है, पीटने का क्या तरीका है? ये तहजीब और तमीज के लिए मशहूर शहर लखनऊ में ये हिंसा नहीं है तो क्या है? ये सरकारी हिंसा है। बस सरकारी हिंसा जो है उस पर मुकदमा नहीं होता, सरकारी हिंसा पर कोई धारा नहीं बनती, सरकारी हिंसा के लिए सीआरपीसी में कोई तरीका नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, सरकारी हिंसा के लिए आईपीसी की किताब में कोई ऐसा कानून ही नहीं है जो उसको सजा दे, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये सरकारी हिंसा जो है, जो 69,000 लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है, उसका जवाब कौन दे? जिन लोगों के घुटने फूटे, सर फूटे, हाथ टूटे,
वो कहां मुकदमा लिखाएंगे, किसके खिलाफ लिखाएंगे? लखनऊ के थाने में जाकर थानेदार के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे कि थानेदार साहब ने हम पर लाठियां बरसाई? थानेदार साहब मुकदमा लिखो, हम पर लाठी बरसी, आप ही ने बरसाई। थानेदार कहेंगे कि नहीं भैया, ऊपर से ऑर्डर था। यह तरीका ठीक, यह लहजा ठीक। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष की अपनी सियासत है, अपनी राजनीति है, लेकिन अगर भर्ती के नाम पर लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो यह ठीक है। बेरोजगार गली गली सड़क सड़क घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों में सबसे बड़ा जमीनी मुद्दा बेरोजगारी है और आप इतनी भी शर्म नहीं कर रहे, इतनी भी शर्म नहीं कर रहे कि आप लखनऊ में सरेराह मीडिया के कैमरों के सामने लाठी चलवा रहे, लाठी चार्ज कर रहे। क्या तरीका है ये, क्या लहजा है ये, क्या सलीका है ये, क्या लोकतंत्र? अगर ये लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र अब तो आप ही को मुबारक है। बाबा साहब अंबेडकर की आज बात हो रही है, अगर बाबा साहब अंबेडकर आज जिंदा होते या अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे तो वो दरअसल सोच रहे होंगे कि संविधान में ये सब कहां था, संविधान की किताब में ये कहां था, संविधान की किताब में ये सब कुछ कहां लिखा था। आज बाबा साहब अंबेडकर को हर कोई याद कर रहा है, अगर याद कर रही हैं सरकारें भी तो सरकारें याद करें कि बाबा साहब अंबेडकर ने खूबसूरत संविधान बनाया है जिसके द्वारा ये देश चलता है, और अगर ये देश चलता है उस संविधान के द्वारा तो वहां कहीं नहीं लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियों की कोई गुंजाइश है। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो जवाबदेही तय करे, वरना चुनाव है, परीक्षा है, और उस परीक्षा में कैसे फेल करना है ये जनता बखूबी जानती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी भारत एट नाइन में। मेरा नाम काविंद्र चौहान आज छोड़कर जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा एक बड़े मुद्दे के साथ, एक बड़े सवाल के साथ। सी यू टू नाइट, सी यू गुड नाइट। देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ।